हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में मैं एक विटामिन सी सीरम के बारे में आपको बताने वाली हूँ। विटामिन सी आपको अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करना ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आप अपने स्किन को हेल्दी बनाना चाहते हैं, अनइवन स्किन टोन को दूर करना चाहते हैं, डलनेस दूर करना चाहते हैं, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को दूर करना चाहते हैं, तो एक अच्छा सा विटामिन सी सीरम आपको अपने स्किन केयर रूटीन में ज़रूर ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। मैं ऑलरेडी बहुत सारे विटामिन सी सीरम यूज़ कर चुकी हूँ, उनका रिव्यू कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में जिस सीरम के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो है डॉट एंड की का 20% विटामिन सी सीरम। ये 99.9% प्योर एस्कॉर्बिक एसिड से मिलके बना हुआ है। और इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो ये 25 ml का पैक आता है। 600 के अराउंड इसका प्राइस है। और ये जो इसकी जो पैकेजिंग है, इसमें दो बॉटल्स आती हैं, एक में पाउडर एक्टिवेटर आता है, एक में सीरम आता है। जो पाउडर एक्टिवेटर है उसमें एस्कॉर्बिक एसिड यूज़ किया गया है, और जो इनका लिक्विड सीरम है उसमें फेरुलिक एसिड और ब्लड ऑरेंज यूज़ किया गया है। तो आपको इसको यूज़ करने से पहले इसको तैयार करना पड़ेगा, तो तैयार करते टाइम आपको इसको DIY जैसे हम करते हैं ना, कुछ वैसी फीलिंग आएगी। तो आपको क्या करना है, जो पाउडर एक्टिवेटर है उसमें लिक्विड सीरम मिक्स करना है, ठीक है, तो पोर करना है। इसके बाद आपको अच्छे से शेक करना है, अच्छे से मिक्स करना है, और इसके बाद इसको अप्लाई करना है। इसमें 99.9% प्योर एस्कॉर्बिक एसिड यूज़ किया गया है, जो कि मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करता है, जिससे आपकी स्किन काफ़ी ब्राइट लगेगी, काफ़ी लाइट लगेगी। जो डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, वो दूर होने में ये सीरम बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें ब्लड ऑरेंज यूज़ किया गया है। ब्लड ऑरेंज एक टाइप का ऑरेंज होता है जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये क्या करता है, आपकी स्किन को प्लम्प बनाता है, स्किन को हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें फेरुलिक एसिड यूज़ किया गया है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि एजिंग के साइन को दूर करते हैं और कोलेजन को बूस्ट करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस सीरम में यूज़ की गई हैं। अब बात करते हैं इस सीरम को यूज़ कैसे करना है। तो पहले आपको अपनी स्किन को क्लीन कर लेना है, फेस वॉश कर लेना है, इसके बाद आप टोनर यूज़ कीजिए। जब आप टोनर यूज़ कर लेते हैं, जब टोनर एब्जॉर्ब हो जाता है, इसके बाद आप अपना ये जो सीरम है इसको लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद आप एक दो मिनट रुक जाइए, जब ये सीरम सेट हो जाए उसके ऊपर आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं अपने पसंद का। दिन में रात में आप दोनों टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। दिन में यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर सनस्क्रीन आप अप्लाई कीजिए, और नाइट में सिर्फ आप मॉइस्चराइज़र ही अप्लाई कीजिए। और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसको डे नाइट दोनों टाइम पे यूज़ करें। और इस जब आप इसको दो वीक्स तक रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको इसके विजिबल रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। 2 weeks में इसके 92% तक रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। अनइवन स्किन टोन होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर जब आप 6 weeks तक इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। काफ़ी हद तक आपके स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन को, हाइपर पिगमेंटेशन को दूर करेगा, स्किन ग्लोइंग लगेगी और स्किन हेल्दी लगेगी। ये जो सीरम है, एक क्लेम करता है कि आपके डार्क स्पॉट्स को दूर करेगा, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को दूर करेगा, फोटो डैमेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, डल स्किन का प्रॉब्लम है, एजिंग का प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन का प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स पे ये सीरम बहुत अच्छे से काम करता है। ये जो सीरम है इसको बॉयज़ गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 18+ हैं तो बिल्कुल कोई भी इस सीरम को यूज़ कर सकता है, और सारे स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपकी स्किन पे कुछ प्रॉब्लम है ज़्यादा, तब आप इसको यूज़ ना करें, या फिर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो सेंसिटिव स्किन पे बहुत सारे विटामिन सी सीरम सूट नहीं करते हैं, क्योंकि ये थोड़े स्ट्रांग होते हैं। और सेंसिटिव स्किन होने के कारण बहुत सारे सेंसिटिव स्किन पे जब आप विटामिन सी सीरम लगाते हो तो वो उतने ज़्यादा सूट नहीं करते और उनकी स्किन पे प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऑयली स्किन है उस पर बहुत अच्छे से काम करेगा, ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन है बहुत अच्छे से काम करता है, बिल्कुल आप इसको यूज़ कीजिए। पर अगर सेंसिटिव स्किन है तो सोच समझ के आप इसको क्या कोई भी विटामिन सी सीरम यूज़ करें। सीरम की एक और खासियत है, इसमें कोई फ्रेग्रेंस, कलर और पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन्स, एसेंशियल ऑयल्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। GMO फ्री है, क्रुअल्टी फ्री है और डर्मा टेस्टेड है। तो ये सारी भी इसकी खास बातें हैं।
तो ये एक न्यू जनरेशन विटामिन सी सीरम है। ये जिस तरह से आता है ऐसी पैकेजिंग में कोई भी सीरम नहीं आता है, मैं फ़र्स्ट टाइम इसके बारे में सुन रही हूँ। और इसके रिव्यूज़ की बात करूँ तो आपको अमेज़न पे, नायका पे, पर्पल पे, इनकी आप साइट पे भी जाओगे तो काफ़ी अच्छे इसके रिव्यूज़ मिल जाएंगे और बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है, दाग धब्बे दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करता है। तो बिल्कुल आप एक अच्छा सा सीरम चाहते हो, विटामिन सी सीरम, तो आप बिल्कुल एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। परचेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा या फिर आप इनके डॉट एंड की के साइट पे जाके भी आप इस सीरम को परचेस कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो क्या करना है, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।